सिर्फ 10 मिनट में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी साबूदाना कस्टर्ड बनाएंगे, और वो भी बिना कस्टर्ड पाउडर के। बहुत ही मजेदार रेसिपी है, तो इसे आप ट्राई जरूर करना। तो उसके लिए एक कप दूध ले लेंगे, फिर इसमें हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने देंगे। अब इसमें आधी कप साबूदाना ऐड करेंगे, जिसे मैं एक घंटे के लिए भिगो ली थी। अब मीडियम फ्लेम पे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए 5 मिनट तक साबूदाना को पका लेना है। फिर इसमें 2 कुटी हुई इलायची और 2 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो 1 चम्मच चीनी और ऐड कर सकते हो। अब मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 5 मिनट और पका लेना है। और ये देखिए, सिर्फ 10 मिनट में ही साबूदाना पक के रेडी है, और कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और साबूदाना को थोड़ा ठंडा होने देंगे। फिर इसमें 1 केला, आधी सेब और 1 अनार ऐड करेंगे, और 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे और बस मजेदार सी साबूदाना कस्टर्ड एंजॉय करें।